जल्द ही देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि कोई बेरोजगार ना रहे, ऐसी शिक्षा नीति केंद्र सरकार लाने वाली है। यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने जानकारी मीडिया से साझा की। वहीं कटारिया ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के राष्ट्र निर्माण के बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि वह पहले अपना निर्माण करें, दिल्ली का निर्माण करें। ठीक है, ये तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा भाजपा पर की गई बयानबाजी पर पलटवार भी किया। कटारिया ने अपने शायराना अंदाज में विपक्षों की खरी खरी की। देखिए, हम चाहते हैं कि देश में क्वालिटी एजुकेशन हो और स्किल डेवलपमेंट का साथ काम भी साथ साथ चले, क्योंकि अभी तक जो देखने में आ रहा है कि बच्चे डिग्री ले लेते हैं और डिग्री होल्डर को काफ़ी संख्या में नौकरियां नहीं मिलती, उसके पश्चात उनके दिलो दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आती है। लेकिन साथ साथ अगर स्किल का काम चलता रहेगा तो जिस व्यक्ति को कोई हुनर आता है उसके लिए काम ही काम है, काम ही काम है, उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है देश के अंदर। तो उसके ऊपर हम जो है एक नीति बनाएंगे, हम अध्यापकों का भी प्रशिक्षण करने के बारे में सोचेंगे कि एक अच्छा क्वालिटी से भरा हुआ अध्यापक बच्चों में किस प्रकार क्वालिटी की शिक्षा भर सकता है। हम ये भी चाहेंगे कि प्रिंसिपल जो है उसकी भी योग्यता टॉप पे होनी चाहिए कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है। हम ये भी चाहते हैं कि वाइस चांसलर को भी सारी यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि जो उसके अंडर कॉलेजेस आते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से बेहतरीन ढंग से चलाकर शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। तो टॉप टू बॉटम सब जगह ट्रेनिंग, सब जगह क्वालिटी, इन चीज़ों के ऊपर जोर दिया जाएगा। कटारिया जी, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस की कुमारी शैलजा, उनका कहना है कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है लेकिन कभी ये नहीं बताती कि हिंदुत्व किस प्रकार के हिंदुत्व चाहते हैं, जाति मजहब के नाम पर या उनका कोई गुप्त एजेंडा है वो बताएं। देखिए, शैलजा का काम तो जो है दिन काटना है और कोई ना कोई जो है सवेरे दो ट्रक झूठ के लेके चलते हैं और बांटते चले जाते हैं। अरे भाई, हिंदुत्व की जहाँ तक बात आती है तो हिंदुत्व तो हमारे देश की पहचान रहा है, हमारी राष्ट्रीय का प्रतीक है। अगर हिंदुइज्म को मजबूत नहीं करेंगे तो किसको मजबूत करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि सारे समाज को साथ लेकर चलना है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सभी लोग ये एक फूलों का गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न जातियों के लोग भी रहते हैं। लेकिन हिंदुओं को टारगेट बनाना और झूठे उसका सेकुलरिज्म का सहारा लेना है तो अपने आप तो चाहे कुछ भी करते रहें, हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। साहबानों केस के अंदर सारा फैसला बदलवा देते हैं, जो मुस्लिम लेडीज के हक में गया था तब तो कोई रौला नहीं, हमने CAA कर दिया जिससे किसी आदमी की ना नागरिकता छीनती है ना लेना देना है हिंदुस्तान के आदमी से, तो हाय तौबा मचाई हुई है। मर गए। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, YES TV। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए YES TV।